देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित लालपुर पहुंचे, जहां सूबे की मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल सहित कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों में नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा था। मोदी शहडोल के लालपुर से राष्ट्रीय सिकल सेल एनेमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। उन्होंने 1 करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही सिकल सेल जेनेटिक स्टेट कार्ड भी वितरित किए। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है, वो प्रदेश की जनता के लिए गारंटी वाली स्कीम लेकर आ रहे हैं। इन फर्जी गारंटी देने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम ने ग्राम पकरिया में जनजातीय समुदाय, स्वयं सहायता समूह की अग्रणी महिलाओं, पेशा कानून समितियों के नेताओं और ग्राम फुटबॉल क्लब के कप्तानों से भी चर्चा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल के बाद शहडोल जाने वाले थे, पर मौसम खराब के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने प्रतीक स्वरूप 4 हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड सौंपा। प्रदेश में 4,70,00,000 आयुष्मान हितग्राही हैं। इनमें 3,60,00,000 के कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 1 करोड़ पीवीसी कार्ड बनाए गए हैं। कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन देश भर के निकायों, ग्राम पंचायतों और विकास खंडों में किया जाना है। साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा मनाए जाने की बात भी कही। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 स्थानों से 22 जून से रानी दुर्गावती गौरव यात्राओं का आयोजन किया था, जो 25 जून को लालपुर पहुंची। रानी दुर्गावती को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी घोषणा की। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। 500वीं जयंती आ रही है। मैं आज जब आपके बीच आया हूं, रानी दुर्गावती के पराक्रम की पवित्र भूमि पर आया हूं, तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का 1 चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पर्सनल स्टैंप भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र मां के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर छुएगा और हम सब साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।